सच सुनने और सच पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। पिछला जुमा तो मुबारक थी, हमने इस उनवान पर कुरान सुन्नत अहदीस मुबारक अकवाल बुजुर्ग दीन से सीखने की कोशिश की कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और हमारी जिंदगी का अंदाज क्या होना चाहिए। और हस्ते वादा आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इंसान जिंदगी में मुख्तलिफ नशे व फराज का शिकार होता है, कभी उसके लिए आसानी होती है, कभी उसके लिए मुश्किल होती है, कभी वो घरेलू नाचाकियों का शिकार होता है, तो कभी तंगदस्ती का शिकार हो जाता है। मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से इंसान किसी ना किसी मसले के अंदर फंसा रहता है। और फिर जब उसे कहीं भी कोई भी सही रहनुमाई देने वाला नहीं होता, तो आपने पढ़ा होगा अखबारात में, सोशल मीडिया में देखा होगा कि लोग खुदकुशी का शिकार हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को हराम तरीके के साथ खत्म करके अपना ये जहां भी खराब करते हैं और अपनी आखिरत को भी खराब करते हैं। लेकिन अफसोस कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीका, जो रास्ता, जो चला, जो रोशनी अता फरमाई, हम उसकी तरफ रजू नहीं करते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें देके जा रहा हूं, एक कुरान करीम और एक आले बैत अतहार। जब तक ये तुम्हारे हाथों में है, तुम गुमराह, तुम तबाह बर्बाद नहीं हो सकते। तुम्हारी तबाही, तुम्हारी बर्बादी और तुम्हारी पस्ती का सबब यह बनेगा कि तुम इन दोनों चीजों से किनारा कशी कर लोगे। आइए, हमने जिंदगी गुजारनी है तो कैसे गुजारे, इसके लिए मैं कुरान करीम की जो आये मुकद्दसा तिलावत की, अल्लाह फरमाते लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आप अलैहिस्सलाम की अताअत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा तुम्हारे लिए बेहतर है। और ये इसके लिए है, इत्तबाए रसूल, अताअत रसूल, हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात किसके लिए है। आगे रब्बे करीम फरमाते काना या रसूलुल्लाह वलियौमिल आखिर, ये इसके लिए है जो अल्लाह और कयामत के दिन पर उम्मीद रखता है, ईमान रखता है, यकीन रखता है, कसीरा और अपने रब का जिक्र बड़ी कसरत के साथ करता है। फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की इत्तबा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी,
علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ بڑی توجہ رکھیے گا، جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنے مسئلے کے مطابق شریعت کا رخ موڑ دیتا ہے، جس نے جیسے چاہا اس کا کہا یہ جائز ہے یہ صحیح نہیں ہے، میں صحیح ہوں یہ غلط ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اللہ، ایک اور رکھ دینا
没有拉点高，给意思了，给意思了，没有点高，这个好地方咱没有点高，为什么那么高？我不知道，我跟你讲，这高点哪来的？没有点高，没有点高，没有点高，没有点高，咱们的世界没有点高，我的没有点高。तो ये है फरमा के
کی تمنا یہ ہے میری ساری امت جنت میں چلی جائے۔ رؤوف الرحیم، دو مرتبہ کا رؤوف الرحیم، کمال کے مہربان، کمال کے مہربان۔ اس کو یوں لے، مدینہ بن میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا، صحیح بات ہے، میں آپ اس کو ریکارڈنگ کو لے لیں، آپ بھی ریکارڈنگ کر لیں، میں غلط ہوں تو کھڑے ہو کے مجھے روک دیں۔ اگر ہم نے حضور کی تعلیمات کو لیا ہوتا تو آج مسلمان پستی نہیں بلکہ عروج کی طرف گیا ہوتا۔ مدینہ پاک میں اگر کوئی خلیل فوت ہو جاتا، مزہ لے کے سبحان اللہ کہتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام جنازہ پڑھانے سے پہلے اعلان فرماتے، فرماتے سنو، اگر اس کو کسی نے قرض دینا ہے، اس کو کسی نے قرض دینا ہے تو اس کے گھر والوں سے رابطہ کرے، اس کو دے، لیکن اگر اس سے لینا ہے، وہ بھی جنت میں دو ہیں،